Rahman Rahim. Assalamu alaikum class. Hope you all are fine. I'm Lari Bamir, English teacher of IAUI school, Dinga campus. Ji the students, hum logo ne present continuous tense complete kiya. Aaj hamara topic hai present perfect tense. Theek hai? Sentence isme hum dekhenge simple sentences dekhenge, negative and questions dekhenge. मतलब questions means interrogative sentences. ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि present perfect tense जो है ये इसकी पहचान क्या है उर्दू में. बेटा जो भी सेंटेंस चुका है, चुकी है, चुके हैं हो, यानी कोई ऐसा काम, कोई ऐसा एक्शन जो कंप्लीट हो चुका हो, वो हम लोग परफेक्ट टेंस में, उसको परफेक्ट टेंस में यूज़ करते हैं. जैसे वो खाना खा चुका है, तो ये आपके पास कौन सा टेंस होगा? परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. से हमें पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस है, और चुका है से, चुका से पता चल रहा है कि ये परफेक्ट है. देखें ज़रा इसका, इनके भी सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर और प्लूरल उसी तरह होंगे. फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में क्या आएगा? आई. एंड प्लूरल में, सिंगुलर में आएगा आई, और प्लूरल में आएगा वी. ठीक है, इसके बाद हमारे पास सेकेंड पर्सन में क्या आएगा? यू. और प्लूरल में भी क्या आएगा? यू, क्योंकि यू का प्लूरल यू ही होता है. ठीक है, और इसके अलावा हम लोग अगर थर्ड पर्सन की बात करते हैं बच्चों, तो थर्ड पर्सन में हमारे पास आता है, सिंगुलर में आता है ही. ठीक है, इसमें ही, शी, इट कोई भी आ सकता है. ही किसी लड़के के लिए यूज़ करते हैं, शी किसी लड़की के लिए, और इट किसी भी जानवर के लिए या किसी बेजान चीज़ के लिए. ठीक है, और प्लूरल में इसका क्या आ जाएगा? दे. प्रेजेंट परफेक्ट का फार्मूला देखें ज़रा. फार्मूला मीन्स इसका टेंस स्ट्रक्चर क्या होता है. सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मीन्स वो जो काम कर रहा है. ठीक है, जो काम कर रहा है. टू बी, टू बी क्या होता है बेटा? कोई भी हेल्पिंग वर्ब जो होता है ना, उसको हम लोग टू बी कहते हैं. मतलब इट विल बी हेल्प टू वर्ब, वो वर्ब को हेल्प करता है. हेल्प, इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब. ठीक है, इसके अलावा हमारे पास वर्ब होता है, यानी जो काम हो रहा हो. साथ में क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है. इसमें हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में. को क्या हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं? वो हैज़ एंड हैव. वेरी गुड. हाँ जी, तो हैज़ और हैव जो है, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में. ठीक है, इसके अलावा इसके आगे हम देखें तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको एक दफ़ा रीड आउट कर देती हूँ. सब्जेक्ट आई, और आगे टू बी मींस हेल्पिंग वर्ब के यूज़ हो रहे हैं. हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इधर हम लगाएंगे गॉन, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी नो कि हम लोग हैज़ हैव के साथ कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं. इसीलिए मैंने यहाँ पर ये वी के साथ थ्री लिखा हुआ है कि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो. इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी. ठीक है, I have gone to school. ठीक है, मैं स्कूल जा चुका हूँ. नेक्स्ट देखें, You have gone to school. We have gone to school. They have gone to school. आगे He has gone to school. And she has gone to school. And Sam has gone to school. ठीक है, ये तीनों आपके पास जो हैं ये सिंगुलर हैं, मतलब थर्ड पर्सन है और ये सिंगुलर हैं. सिंगुलर के साथ हमेशा क्या यूज़ करते हैं? हैज़. क्या यूज़ करते हैं हम लोग सिंगुलर के साथ? हैज़ यूज़ करते हैं. बाकी सारा वैसे ही है. ये हमारे पास फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई, ये आपके पास ऑब्जेक्ट आ गया. आपने याद रखना है कि सिर्फ ही, शी, इट और किसी सिंगुलर के साथ हम लोग हैज़ यूज़ करेंगे, और बाकी सब के साथ हम हैव यूज़ करेंगे. ठीक है, गॉन थर्ड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है गो, सेकेंड फॉर्म होती है वेंट, एंड थर्ड फॉर्म इज़ गॉन. नेक्स्ट देखें, और एग्जांपल्स हैं आपके पास कुछ. ये आपको पता है कि आई, यू, वी, दे के साथ हैव आएगा, ही, शी, इट और किसी, ये नाम है बेटा सैम. ठीक है, इसके साथ हैज आएगा. एग्जांपल्स देखें, आई हैव प्लेड फुटबॉल, यू हैव प्लेड फुटबॉल, वी हैव प्लेड फुटबॉल, दे हैव प्लेड फुटबॉल, ही हैज़ प्लेड फुटबॉल, शी हैज़ प्लेड फुटबॉल, एंड सैम हैज़ प्लेड फुटबॉल. ठीक है, यानी देखें आई, यू, वी, दे के साथ क्या आया? हैव आया, और बाकी सब के साथ हैज आ गया. ठीक है, नेगेटिव सेंटेंसेस इसके साथ हम लोग ये जो टू बी है, मतलब जो हेल्पिंग वर्ब है, उसके साथ हम लोग नॉट लगा देंगे.
ठीक है, इसके साथ नॉट आएगा, बाकी सारा कुछ वैसे ही रहेगा। अभी हम लोग ऐसे इसको कंबाइनली देख रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम इसको सेपरेट देखेंगे, इंडिविजुअली एक एक को देखेंगे। सबसे पहले सिंपल टेंसेस को देखेंगे, फिर नेगेटिव और फिर इंटरोगेटिव। अभी देखें टू बी के साथ क्या आ रहा है, नॉट, विच मेक्स इट नेगेटिव टेंस। ठीक है, ये नॉट जो है ये इसको एक नेगेटिव सेंटेंस बना देगा। आगे देखें ज़रा, आई यू वी दे के साथ हैव है, ये सिंपल वही बातें जो मैंने आपको पहले भी बताई हैं। एग्जाम्पल्स देख लें आगे, बाकी सारा कुछ वैसे ही रहेगा, सिर्फ टू बी मतलब हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। एग्जाम्पल देखें, आई हैव प्लेड फुटबॉल, इसको जब हमने इंटरोगेटिव में किया तो क्या हो गया, आई हैव नॉट प्लेड फुटबॉल। ठीक है, आई हैव प्लेड फुटबॉल और हैव आपके पास हेल्पिंग वर्ब था, हेल्पिंग वर्ब में यहाँ पे टेंस स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब के साथ हम नॉट ऐड कर देते हैं। तो प्लेड ये फॉर्म ऑफ वर्ब है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, इससे पहले हमने क्या ऐड कर दिया है, नॉट। आगे देखें कुछ और नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, ये बेटा हैवंट, ठीक है, और हैव नॉट और हैवंट में कोई इतना स्पेसिफिक कोई इतना डिफरेंस नहीं होता, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर इस फॉर्म में भी लिखा हुआ है कि अगर इस तरह से आ जाए तो आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, आई हैव प्लेड फुटबॉल, आई हैवंट प्लेड फुटबॉल। ठीक है, यू हैव प्लेड फुटबॉल, यू हैवंट प्लेड फुटबॉल, वी हैव प्लेड फुटबॉल, वी हैवंट प्लेड फुटबॉल, दे हैव प्लेड फुटबॉल, दे हैवंट प्लेड फुटबॉल, दे हैज़ प्लेड फुटबॉल, दे हैज़ नॉट प्लेड फुटबॉल। ठीक है, he has not played football, he, she और it, means it यहाँ पे Sam है, तो इसके साथ हम लोगों ने क्या यूज़ किया है, has यूज़ किया है। ठीक है, not जो है वो has के बाद लगाया। next देखें इंटरोगेटिव टेंसेज में हम लोग, ये तो आप लोगों को पता है कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है किसी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस में वो हम लोग सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं, जिस तरह टू बी जो है वो पहले सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे होता था ना, तो अब हमने यहाँ से इसको इंटरचेंज कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ये टू बी आ गया, टू बी मीन्स क्या मतलब है, इसका हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ये इसका हेल्पिंग वर्ब हो गया, इनको हमने इंटरचेंज कर दिया। नेक्स्ट इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम, देखें जरा, ये बाकी सारा वैसे ही है, आई यू वी दे के साथ हैव और ही शी इट के साथ हैज आएगा। एग्जाम्पल देखें, आई हैव प्लेड फुटबॉल, सिर्फ क्या हुआ, ये जो हैव है और ये सब्जेक्ट है इनकी स्पेस हमने आपस में इंटरचेंज कर दी, यहाँ पर हैव जो है वो बाद में आ रहा था, यहाँ पर हैव हमने पहले लगा दिया, हैव आई प्लेड फुटबॉल। इसी तरह अगर हम इसकी कोई और एग्जांपल देखें, तो जहाँ जहाँ पे सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब था वो हेल्पिंग वर्ब हम उठा के सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे, एंड दिस थिंग मेक इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वेरी गुड, अब इसके फाइव सेंटेंसेस आप लोगों ने पीछे एग्जांपल्स भी देखी, इनमें से कोई भी फाइव सेंटेंसेस आप लोगों ने अपनी नोटबुक्स में लिखने हैं। ठीक है, कल हम इंशाल्लाह इनको इंडिविजुअली एक एक टेंस को देखेंगे, तो आपकी मजीद कन्फ्यूजन्स भी क्लियर हो जाएंगी। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, अल्लाह हाफिज़।